जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बर्ड्स स्टूडियो में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज फिर हम सुहेल भाई के पास आए और सुहेल भाई आज हमें दोबारा नई पेयरिंग के बारे में बताएंगे। हमने ओपलाइन के बारे में बातचीत की सुहेल भाई से, तो आज हमें जो है वो सुहेल भाई यूविंग की पेयरिंग के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ और हमें कमेंट्स करके बताएँ जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे उसको कमेंट्स करके बताएं और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सुहेल भाई, आज हमें आप हमारे व्यूअर्स को जो है वो कौन सी पेयरिंग के बारे में बता रहे हैं? भाई मैं आज आपको यूविंग के बारे में बता रहा हूँ। यूविंग की आप पेयरिंग करें, यूविंग की क्या कहते हैं अच्छी पेयरिंग है, आप वो करें इंशाल्लाह, उससे भी आपको कई अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने भी अपने शेड में की हुई है जो मैं आपको दिखाऊंगा, भी आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा जो मैंने पेयरिंग की हुई है। इंशाल्लाह आप भी करें, अच्छी पेयरिंग है, खूबसूरत पेयरिंग है और रिज़ल्ट भी हमें बहुत अच्छे वस्ते मिल लेंगे। और यूविंग आपको पता है वैसे ही बहुत पसंद किया जाता है, एक बहुत खूबसूरत परिंदा है। जब उसको आप पेयरअप करते हैं दूसरे से, यूविंग वैसे ही डोमिनेंट है, पहले यानी कि कलच के अंदर आपको यूविंग दे देता है वो। तो चलें मैं आपको अपना पेयर दिखाता हूँ जो मैंने पेयर अप किया हुआ, इंशाल्लाह आपको और आपके व्यूअर्स को ज़रूर पसंद आएगा। जी फ्रेंड्स, तो ये सुहेल भाई का वो पेयर है जिसके बारे में सुहेल भाई हमें बताएंगे और इसके रिज़ल्ट के बारे में भी बताएंगे कि इसमें से जो इस पेयरिंग में से चिक्स कौन कौन से आएंगे। जी सुहेल भाई, भाई ताहिर भाई, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक पीस है यूविंग का, ठीक है, फिशरी है, वायलेट यूविंग फिशरी, ये पीस जो है वायलेट यूविंग फिशरी कहलाता है। और दूसरा पीस इसके अंदर है पार ब्लू वायलेट का, ठीक है। तो इसको जब आप आपस में पेयर अप करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूविंग फ़ीमेल हो या मेल हो, कुछ भी आप लगा सकते हैं, मेल लगा सकते हैं या फीमेल लगा सकते हैं, जो भी लगाए यूविंग डोमिनेंट है, आपको पहले ही यानी कि क्लच के अंदर यूविंग आ जाएंगे, कई बच्चे यानी कि आपके यूविंग आ जाएंगे। तो इस पेयरिंग के अंदर से जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो ये है कि इसके अंदर अल्लाह आपका भला करे आपके पास पार ब्लू यूविंग भी आ सकता है, ठीक है, आपके पास दोबारा ये जो है वायलेट यूविंग फिशरी भी आ सकता है, ब्लू फिशरी भी आ सकता है, सिंपल और सिंपल पार ब्लू भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है, और यूविंग भी आ सकता है, यानी कि दोनों के अंदर ही ये फिशरी में भी यूविंग आ सकता है और पार ब्लू में भी यूविंग आ सकता है। तो बहुत अच्छी पेयरिंग है, बहुत खूबसूरत है, और जब अल्लाह आपका भला करे पार ब्लू में यूविंग आ जाता है तो वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। पार ब्लू वैसे ही क्या कहते हैं, एक बड़ा खूबसूरत परिंदा है, लेकिन जब उसके साथ यूविंग आ जाएगा तो और भी ज़्यादा उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। और मैंने जो लगाया है ये पेयर दोनों ही यानी कि वायलेट कलर के अंदर है, आप इनका कलर देख सकते हैं, वायलेट कितना यानी कि अच्छा कलर है, डार्क है, डार्क वायलेट है, पार ब्लू भी और फिशरी भी। तो मैं आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके देखने वाले हैं, उनको मैं बोलूँगा कि ये अगर वो यूविंग का शौक़ रखते हैं तो यूविंग के साथ वो इस तरह की पेयरिंग कर सकते हैं, अच्छी पेयरिंग है, खूबसूरत पेयरिंग है, बच्चे भी अच्छे आते हैं इससे और बड़े खूबसूरत बच्चे आते हैं। और इस टाइम पे यूविंग की डिमांड भी बहुत है, यूविंग भी यानी कि बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है, ऑफलाइन में चला गया अब तो यूविंग, काफ़ी जगह यूविंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो एक आम फिशरी यूविंग को ले लें आप, आम फिशरी भी लेते हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा ही फ़र्क रह जाता है, थोड़े पैसे और मिला के आप यूविंग में ले लें फिशरी को, ताकि वो आप एक यूविंग की भी वर्किंग कर सकें, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वर्किंग है और बहुत हो रही है इस टाइम पे ना। तकरीबन मैं देखता हूँ वीडियोस वगैरह तो तकरीबन आपको शेडो के अंदर यूविंग जो है वो नज़र आएगा, और यूविंग एक खूबसूरत परिंदा है नो डाउट। तो मुझे क्या कहते हैं पर्सनली भी बड़ा ये खूबसूरत लगता है, इस वजह से मैंने ये एक दो पेयरिंग की हुई है अपने शेड के अंदर। इसके अलावा मेरे पास एक पेयरिंग और है यूविंग की, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगा किसी और दिन, जब आप इंशाल्लाह आएंगे तो कोई और वीडियो के अंदर मैं अपना वो पेयर भी शेयर करूँगा, वो भी बहुत अच्छा पेयर है, वो भी यानी कि लगाना चाहिए, और मैंने बड़े यानी कि उससे लगाया है, बड़ी खुशी से अपना वो पेयर लगाया है क्योंकि मुझे वो पेयर भी बहुत पसंद है और अच्छा लगता था मुझे, तो मैंने उसकी भी पेयरिंग की है। तो मैं आपके देखने वालों को भी कहूँगा कि अगर उनको भी समझ में आती है, अच्छा लगता है और वो लगा सकते हैं, पसंद है उन्हें, तो वो भी लगाएं। तो इंशाल्लाह जब वो फिर कभी आएंगे तो उस दूसरे यूविंग की पेयरिंग के साथ आपके साथ डिस्कशन होगी तो उसके बारे में बताऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको यही दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
जी फ्रेंड्स, तो सुहेल भाई ने हमें काफ़ी सारी मालूम दी स्पेयरिंग के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इसके में कमेंट्स करके हमें बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।